हीरो मोटोकॉर्प जल्द ही अपनी बेस्ट सेलिंग प्लेजर प्लस स्कूटर को नए अवतार में लॉन्च करेगी। कंपनी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर नई प्लेजर स्कूटर का टीजर जारी किया है। कंपनी इसे त्योहारी सीजन के ठीक पहले लॉन्च कर सकती है। टीजर में नई हीरो प्लेजर स्कूटर की झलक दिखाई गई है, जिससे कई जानकारियां सामने आई है। आइए जानते हैं कंपनी इस स्कूटर में क्या नया देने वाली है। टीजर के अनुसार हीरो प्लेजर प्लस में पूरी तरह नया हेडलाइट दिया गया है, जो कि एक एलईडी यूनिट है। इसके अलावा नई प्लेजर प्लस में नया सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट, साइलेंसर पर क्रोम मफलर और स्कूटर पर कई जगह क्रोम डिटेलिंग की गई है। स्कूटर में सबसे बड़े अपडेट के रूप में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ नया इंस्ट्रूमेंट कंसोल होगा। इंस्ट्रूमेंट कंसोल में एक छोटा डिजिटल स्क्रीन दिया गया है, जिसमें इनकमिंग कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट, मिस्ड कॉल अलर्ट और फोन की बैटरी स्थिति जैसी जानकारियों का अलर्ट मिलेगा। ओडोमीटर और ईंधन गेज को भी छोटी LCD प्लेजर स्क्रीन में देखा जा सकता है। प्लेजर प्लस को अन्य कॉस्मेटिक अपडेट भी मिलेंगे, जिसमें इंटीग्रेटेड डे टाइम रनिंग लाइट्स DRL के साथ एक नई LED हेडलाइट, साथ ही एक नया रंग भी शामिल है। उम्मीद है कि कंपनी नई प्लेजर प्लस स्कूटर में मौजूदा मॉडल के इंजन का इस्तेमाल करेगी। हीरो प्लेजर प्लस के मौजूदा मॉडल में 110cc के इंजन का उपयोग किया गया है, जो कि 8 bhp की पावर और 8.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। उम्मीद है कि कंपनी कुछ दिनों के भीतर अधिक जानकारियों का खुलासा कर सकती है। फिलहाल हीरो मोटोकॉर्प नाइक्स प्लस 200 को लॉन्च करने की तैयार कर रही है। नाइक्स प्लस 200 को कंपनी शुक्रवार 7 अक्टूबर को लॉन्च करने वाली है। कंपनी इस एडवेंचर बाइक को नए अवतार और फीचर्स के साथ पेश करने वाली है।